हेलो एवरीवन, टुडे अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो फ्रॉम अवर एग्री लर्नर टीम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन बॉलवर्म। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आगे एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन IBBS ने पूछे थे इस साल और आने वाले टाइम पे किस तरीके के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विच एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन कंट्रोलिंग कॉटन बॉलवॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली IBBS ने पूछा था कि हमें उस पर्टिकुलर एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई का नाम बताना था जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है, जिसको हम यूज करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय IBBS इन दियर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019-20 मेंस एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला जो ऑप्शन आपके सामने है वो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, सेकंड है ब्यूवेरिया बेसियाना, थर्ड जो ऑप्शन है मेटारिजियम एनसोफिले, फोर्थ जो ऑप्शन है स्पोरोप्टेरा लाइट्यूरा, फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है वर्टिसिलियम। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ब्यूवेरिया बेसियाना। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन पोर्शन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन बॉलवॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर देखते हैं द एंडोफाइटिक फंगल एंटोमोपैथोजेंस लाइक ब्यूवेरिया बेसियाना एंड परप्यूरियोसिलियम लिलेसिनम विच इन्हेंसेज द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन गॉसिपियम हिरसिटम एंड एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बाई नेगेटिवली अफेक्टिंग द सर्वाइवल ऑफ अमेरिकन कॉटन बॉलवॉर्म विच इज हेलिकोवर्पा जिया। फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज आस्क्ड बाई IBBS इन दियर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019-20 मेन्स एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ना अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कहना क्या चाहता है। फ्रेंड्स, ये कहना ये चाहता है कि हमारा जो पर्टिकुलर कल्टिवेटेड कॉटन है जिसका नाम गॉसिपियम हिरसिटम है, उस पर्टिकुलर कल्टिवेटेड कॉटन पे दोस्तों एक पेस्ट लगता है जिसका नाम है अमेरिकन कॉटन बॉलवॉर्म, जिसको आप साइंटिफिकली हेलिकोवर्पा जिया भी बोल सकते हो। उस पर्टिकुलर पेस्ट को, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को जिसका नाम है अमेरिकन कॉटन बॉलवॉर्म, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम लोग जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का नाम ब्यूवेरिया बेसियाना एंड परप्यूरियोसिलियम लिलेसिनम है, जो कि एक फंगस है। अगर हम किसी पर्टिकुलर फंगस को यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर फंगस को एंटोमोफाइटिक फंगल या एंटोमोपैथोजेनिक फंगस कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो वर्किंग पैटर्न है वो यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर फंगस की हेल्प ले रहे हैं, एक फंजाई की हेल्प ले रहे हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि एंटोमोपैथोजेनिक फंगस होता क्या है। दोस्तों, एंटोमोपैथोजेनिक फंगस कुछ नहीं है, इट इज़ अ फंगस दैट कैन एक्ट एज अ पैरासाइट ऑफ इंसेक्ट एंड किल्स और सीरियसली डिसेबल्स देम। दोस्तों, एंटोमोपैथोजेनिक फंगस क्या है, एक ऐसा फंगस है जिसका हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्या को या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको किल करने के लिए। एग्जाम में यही पूछा था कि कौन सा इनमें से ऐसा एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है जो कि एक्ट करता है इस पर्टिकुलर कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दो हमने पढ़ लिए हैं। आज क्वेश्चन ब्यूवेरिया बेसियाना से है, कल ऑप्शन में परप्यूरियोसिलियम लिलेसिनम भी आ सकता है। तो ये भी एक एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है जिसको हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर कॉटन बॉलवॉर्म जो कि इंसेक्ट पेस्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम यूज कर रहे हैं एंटोमोपैथोजेनिक फंगस का जिसका नाम ब्यूवेरिया बेसियाना एंड परप्यूरियोसिलियम लिलेसिनम है, जिसको हम एक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट किसके, एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है किसकी ग्रोथ को, अमेरिकन कॉटन बॉलवॉर्म की ग्रोथ को, और अल्टीमेटली ये कॉटन की ग्रोथ को इनहेंस कर रहा है, जो कल्टीवेटेड कॉटन है उसकी ग्रोथ को इनहेंस कर रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैनी फंगल इंसेक्ट पैथोजेंस कैन ऑल्सो कॉलोनाइज प्लांट्स एज एंडोफाइट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है एंडोफाइटिक ब्यूवेरिया बेसियाना एंड परप्यूरियोसिलियम लिलेसिनम इनहेंस कॉटन ग्रोथ बाई रिड्यूसिंग द सर्वाइवल ऑफ अमेरिकन कॉटन बॉलवॉर्म
विच इज हेलिकोवर्पा जिया लार्वा। उसके लार्वा को कंट्रोल करने के बाद ये हमारा जो कल्टिवेटेड कॉटन है उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं इन्हेंस करता है, ये अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग फंगल एंडोफाइट्स कैन प्ले अ रोल इन सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों ये भी एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का पार्ट है, जहां पर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का यूज करके हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का यूज करके हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, एक बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करके हम दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक का यूज करके हम दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे को किल कर रहे हैं, तो यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। सो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडीड अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन बॉलवर्म। स्पेशली वी सी टू एंटोमोपैथोजेनिक फंगस हेयर, वन इज ब्यूवेरिया बेसियाना एंड नेक्स्ट इज परप्यूरियस एलियम लिलेसिनम, जो कि जिनका हम यूज कर रहे हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। किसकी ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करने के लिए? अमेरिकन कॉटन बॉलवर्म की ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो कल्टीवेटेड कॉटन है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। तो फ्रेंड्स, हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन बॉलवर्म हमारे एंटोमोलॉजी सेक्शन के वेरियस मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल में कवर किया है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन बॉलवर्म के नाम से। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं agriguru.in। अगर आप IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स को इनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करके, हुज लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरियस अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।